दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों भारतीय आईपीओ बाजार में आईपीओ की बारिश हो रही है। जुलाई में 6 आईपीओ आए और आज 4 अगस्त है और आज ही खुल रहे हैं 4 आईपीओ, बिंडलास बायोटेक, देवयानी इंटरनेशनल, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स और एक्सारो टाइल्स का। 9 अगस्त को खुलने जा रहा है कार ट्रेड टेक का आईपीओ। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। आईपीओ के जरिए आईपीओ लाने वाली कंपनी पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, जबकि निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। तो आज जो आईपीओ खुल रहे हैं उसके बारे में जानकारी पहले के एपिसोड में दी जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज मैं इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कार्ट्रेड टेक के बारे में और उसके आईपीओ के बारे में। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें और सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि इस YouTube चैनल के जरिए आपके पैसों से जुड़े हुए सवालों के जवाब दिए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कार ट्रेड टेक और उसके आईपीओ के बारे में। सबसे पहले हम कंपनी की बात कर लेते हैं। तो मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर कंपनी है कार ट्रेड टेक। 2000 में कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी अलग अलग ब्रांड जैसे कि कार वाले कार ट्रेड, श्रीराम ऑटो मॉल, बाइक वाले कार ट्रेड एक्सचेंज, एड्रॉइड ऑटो और ऑटो बीस नाम से कारोबार चलाती है। कंपनी नई और पुरानी कारों की खरीद बिक्री के लिए उसके ग्राहकों और उसके मालिकों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है, बाइक सॉल्यूशन भी देती है ये कंपनी। अब कार ट्रेड टेक के आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईपीओ 9 अगस्त को खुलेगा और 11 अगस्त को बंद हो जाएगा। कंपनी आईपीओ से 2,998.51 करोड़ रुपए जुटाएगी। पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, बिक्री के लिए नए शेयर जारी नहीं किए जाएंगे। ऑफर फॉर सेल का मतलब इस आईपीओ से मिले पूरे पैसे कंपनी को नहीं मिलेंगे बल्कि इसके मौजूदा शेयर होल्डर्स और प्रमोटर्स को मिलेंगे। इस आईपीओ का प्राइस बैंड है 1,585 रुपए से लेकर के 1,618 रुपए प्रति शेयर। 9 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 9 शेयर खरीदने होंगे, यानी ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 9 × 1,618 यानी 14,562 रुपए निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 117 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 117 × 1,618 रुपए यानी 1,89,306 रुपए निवेश कर सकते हैं। आईपीओ अलॉट की तारीख है 17 अगस्त। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 18 अगस्त को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 20 अगस्त को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 23 अगस्त को और शेयर बीएससी और एनएससी पर लिस्ट किए जाएंगे। इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी और नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। कार ट्रेड के प्लेटफॉर्म पर सभी ब्रांड की कार आप खरीद बेच सकते हैं। ऑटो की दुनिया से जुड़ी ताजा जानकारी भी यहां आपको मिल जाएगी। कार खरीदने के लिए कंपनी लोन भी देती है। नई लॉन्च होने वाली कार की जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी, कार की समीक्षा भी मिल जाएगी। आप भी किसी कार के बारे में अपने अनुभव यहां पर साझा कर सकते हैं। तो ये तो बात रही कार ट्रेड टेक की और उसके आईपीओ की। अब अगर आपने पहले कभी नहीं आईपीओ में निवेश किया है और इस आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ये भी जान लीजिए। तो आईपीओ, एफपीओ, शेयर, राइट इशू वगैरह में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास बैंक सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट भी होने चाहिए। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के यहाँ खुलवाना चाहिए। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो आपके डीमैट अकाउंट में ही आईपीओ से संबंधित फॉर्म मिलेगा और आपसे जो जानकारी मांगी जाए वो भर दीजिए। आप अपने शेयर ब्रोकर से भी इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो पेटीएम भी आईपीओ भरने की सुविधा देती है, यानी आईपीओ में अप्लाई करने की सुविधा आपको पेटीएम से भी मिल जाएगी। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आप खुद से रिसर्च कर लें कि वो आपके लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, क्योंकि आईपीओ मार्केट से जुड़ा हुआ निवेश साधन है और उसमें पैसे लगाने पर रिस्क भी होता है।
तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो जिंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।